नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कालावाली मंडी में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले काफ़ी समय से भाखड़ा नहर से पानी के साथ ट्यूबवेल का पानी मिक्स करके मंडी में सप्लाई किया जा रहा है। इसे खफा होकर के आज सुबह मानव अधिकार मिशन सिरसा के चेयरमैन कृष्ण जिंदल, न्यू आरती एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप जैन, कालावाली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ओम प्रकाश लोहानी तथा पार्षद संजू वर्मा और इसके अलावा पार्षद प्रतिनिधि सुनील अहलावत व कई गणमान्य लोग मंडी में मौजूद लोगों ने जल घर का मुआयना किया। यहाँ पर 3 ट्यूबवेल लगातार चल रहे हैं जिनकी सप्लाई मंडी में दी जा रही है। उन्होंने यहाँ पर इसका विरोध किया। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भाखड़ा नहर के पानी को मोल बेच रहे हैं और ट्यूबवेल वाले पानी की सप्लाई की जा रही है। लोगों ने यह भी कहा कि ट्यूबवेल वाले पानी को बिना फिल्टर किए सीधा मंडी में सप्लाई किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि जल घर की टंकियों में गंदगी भरी हुई है, कर्मचारी कोई भी अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि भाखड़ा नहर से जिस पाइपलाइन की सप्लाई की जाती है वह कई जगह से टूटी पड़ी है या फिर पानी चोरी के लिए उसे तोड़ दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह कहा कि यह सब कुछ बिना मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता। इस तरह से लोगों का आक्रोश देख करके जन स्वास्थ्य विभाग के SDO मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत प्रभाव से 3 ट्यूबवेलों को बंद करने के आदेश दिए। उन्होंने पानी की टंकियों को साफ करवाने के लिए भी आदेश दिए और लोगों के साथ टूटी हुई पाइपलाइन की सप्लाई देखने गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाखड़ा नहर का पानी भी मंडी में सप्लाई किया जाएगा और लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पल पल कालावाली से विमल गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। एक हफ्ते के अंदर नहीं, SDO साहब ने तो हमारे साथ 2-3 दिन का वायदा किया है, हम इनको एक हफ्ते का टाइम देते हैं। एक हफ्ते में हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम मंडी में धरना देंगे और उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। प्रशासनों को हमने आग्रह कर दिया, जिन्ने भी युवा साथी है ते मंडी के निवासी है अब बटवास रोड से बटवास के अंदर मौका देखने आए थे। सानू इतने 3 बोरवेल जो लगे हुए हैं जिन्हें पानी की सप्लाई पूरी मंडी में दी जा रही थी, जी कि न्यायी तौर पर है तो गलत तरीके दी जा रही थी। वह पानी की सप्लाई नाल काफ़ी लोग बीमार हुए हैं, तो मतलब कैंसर जैसे तो अपने स्किन का बीमारी हो गई वो ज़्यादा फैली हैगी। वो असी अच्छ SDO साहब बुला के मौके पर मतलब बोरवेल बंद कराए गए हैं। SDO साहब ने ऑर्डर किया है कि उन्होंने कनैक्शन अज ही कट्टे जाए, तो कनैक्शन कट के सीधा जो नहर का पानी है वही सप्लाई किया जाए। सर आज सभी प्रदीप जैन जी, सभी साथी आए थे बॉर्डर वर्क्स में, संदीप वर्मा जी, यहाँ पर 3 बोर लगाए गए हैं पानी के लिए ताकि लोगों को पानी की कमी महसूस ना हो। और जो पीने का पानी है वो पीछे चोरी करवाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ये हमारे सीधे इल्ज़ाम है इस महकमे के मुलाजमों पर। क्योंकि कितने दिन हो गए हमें ये प्रयास करते हुए लेकिन इनकी समस्या कोई हल नहीं हुआ। लगातार बोर का पानी बगैर फिल्टर के लोगों को दिया जा रहा है जिससे बीमारियां, चमड़ी रोग, कैंसर जो फैल रहे हैं। तो हमारे आज हमने SDO साहब को बुलाया है, इन्होंने आश्वासन दिया है समाधान का, आगे देखते हैं क्या होगा। पत्रकार भाई या संजू भाई और जिंदल साहब या सभी आए हैं तो इनकी बातें मैंने सुनी है, लेकिन ये ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल उस टाइम लगे हुए हैं जबकि हमारे रॉ वाटर की दिक्कत आती है, गर्मियों के टाइम पानी की कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम हमें इमरजेंसी के लिए चलाने पड़ते हैं। वैसे हमें भाखड़ा नहर से पानी मिल रहा है लेकिन इन्होंने बताया पीछे कई जगह लीकेज है। ठीक है, पीछे हमने पिछले वीक भी कुछ ठीक की थी, कोई एक आधी दो बताते हैं और रहेगी, तो आज ही चेक कराया कि जैसे नहर बंद होगी तो उसी टाइम उनको रिपेयर कराई जाएगी। और दूसरी इन्होंने कह रहे भी अंदर जो ट्यूबवेल लगे उनका पानी खराब है, उनकी रिपोर्ट मेरे पास है तो उनकी हमने पानी पीने लायक है, यदि कहते हैं तो मैं बंद करा देता हूँ आज ही तीनों, और आगे से कोई नहीं चलेगा। लेकिन जैसे शहर की सप्लाई है वो सुचारू रूप से चलाएंगे और इनको आश्वासन देते हैं जैसे भी नहर बंद होगी हम चैनल रिपेयर करेंगे और कोई इसमें पशु कुत्ते कोई इसमें आगे से नहीं आएंगे। ये मेरे साथ पीछे भी इन्होंने सहयोग किया था, सीवर की समस्या थी और उनसे पूछ लो कि सीवर के 80% काम मेन होल थे या सफाई का काम थी कंप्लीट कराए हैं, और फिर भी मैं इनको आश्वासन देता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं इनके काम करा के इनको सुचारू रूप से सप्लाई देंगे। सर टंकियों में पानी की जो है वो देखा है गंदगी बहुत है तो उसके बारे में अभी जैसे कि पीछे 1-2 दिन पहले अंधेरी आई है, कोई गिरे हैं तो वो अभी रिपेयर उनके अंदर से निकाल के फेंक दी जाएगी। और आगे से ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो इन समाज सेवी आदमी को मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोई भी लीकेज हो या ढक्कन टूटा हो, कोई भी समस्या हो कालावाली की
तो मेरे को आधी रात कॉल करो, इनसे पूछ के देखो भी मैं इनके फ़ोन कोई ऐसा भी मिस कॉल भी आती है तो नहीं उठाया, तो इन भाइयों से पूछो आज तक ऐसी कोई मेरी लाइक समस्या है तो मैं उसका जवाब दी।